एमएस एक्सेल कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कैसे आप रोज एंड कॉलम्स, कैसे आप डाटा को ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हो। दोस्तों प्रैक्टिकल है और उम्मीद करता हूँ ये कोर्स आप अच्छे से सीख रहे होंगे। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बिकॉज जितना प्रैक्टिस करोगे ये स्किल में आप एक्सपर्ट बन जाओगे और इसके बेसिस पे आपको जॉब्स भी मिल सकती हैं, आपका करियर भी इन्हेंस होगा और आपके बिजनेस में भी काम आएगा। डाटा एनालिसिस में तो काम आता ही आता है। और एमएस एक्सेल के साथ साथ गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, एसईओ, सोशल मीडिया, एफिलिएट मार्केटिंग जैसे अगर आप 50 से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज सीखना चाहते हो वो भी फ्री, तो आप सीख सकते हो हमारे चैनल से। बिकॉज चैनल पर ऑलरेडी 1500 के अराउंड वीडियोज़ है विद लेटेस्ट कॉन्टेंट और आने वाले एक साल के अंदर 1000 से ज़्यादा वीडियोज़, 30-35 नए कोर्सेज ला रहे हैं ताकि आपको इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमेशा मिलती रहे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखिए सीखिए। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। इस वीडियो में मैं अब ये बताऊंगा कि आप ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देखिए, मैंने एक क्लास का डाटा ले रखा है जो कि मेरा शुरुआत से ही चला आ रहा है, क्योंकि क्लास कैसा होता है कि हम सभी से रिलेवेंट होता है, तो मैं चाहता हूँ वो जो ज़्यादा रिलेवेंट हो आपके लिए। फालतू में कॉम्प्लेक्स डाटा इस्तेमाल मैं तो बहुत सारे कर सकता था, लाइक हमारे जो मार्केटिंग एजेंसी है यहाँ पे बहुत सारे एक्सेल शीट्स बनती है, लाइक हमें सभी एम्प्लॉयज का डिटेल रखनी पड़ती है, हमारे जितने कस्टमर्स होते हैं उनकी डिटेल रखनी पड़ती है एक्सेल में, हमारे जितने बाहर से सामान आते हैं परचेज होते हैं उनका भी डाटा होता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स आपके लिए कॉम्प्लेक्स डाटा एक तरीके से हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उस कॉम्प्लेक्स झंझट पड़े, आप वो सीखें जो आप सीखने आए हैं। अगर आप सीख गए तो आप किसी भी डाटा के लिए कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूँ ग्रुपिंग क्या होती है। जैसे मान लीजिए एक डाटा दिया हुआ है और ये बीच के हैं, जैसे कि मैंने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के मार्क्स लिख रखे हैं सभी बच्चों के, तो मुझे चाहिए कि मैं ये अनहाइड करूँ, मुझे फाइनल रिजल्ट देखना है। इसी तरह आपकी बिजनेस होगा या किसी आपका कोई इन फ्यूचर दुकान होगी, तो उसमें बहुत सारे इनपुट आएगा, बहुत सारा आउटपुट जाएगा। इनपुट का मतलब बहुत सारा सामान आता है जाता है, उसकी परचेज कितने में हुई, सेल कितने में हुई, प्रॉफिट कितने में हुआ, तो आपको आखिरी डाटा दिखना है कि सेल कितने में हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ। तो इस तरह से आप ग्रुपिंग बना सकते हैं। ग्रुपिंग का फायदा ये होता है कि आप अपने मर्जी के हिसाब से उन्हें देख सकते हैं और अपने हिसाब से देखने का क्या होता है, सिंप्लिसिटी आ जाती है। दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आप ग्रुप कैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अभी सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे ग्रुप करना है, तो ग्रुप करने के लिए मुझे कहाँ जाना होगा। ग्रुप करने के लिए आप ऊपर देख रहे होंगे एक डाटा दिख रहा होगा, रिबन के ऊपर एक डाटा का ऑप्शन है, डाटा टैब में जाना होगा। डाटा टैब में जब आप जाएंगे तो आप ये ग्रुप का ऑप्शन आपको दिखेगा राइट हैंड में साइड में ऊपर में ही आपको दिखेगा। तो देखिए दोस्तों ये ग्रुप का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे ग्रुप आएगा। ग्रुप के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा ये मेरे से पूछ रहा है ग्रुप किसके बना रहे हो भैया, रो के या कॉलम के। अभी तो मैंने कॉलम सेलेक्ट करा है तो मैं कॉलम पे क्लिक करूंगा। अगर मेरा रो होता तो मैं रो का भी कर देता। अभी मैं रो का भी आपको करके दिखाऊंगा, तो मैं ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूंगा ये देखिए दोस्तों ऊपर आप देख सकते होंगे ऐसी एक लाइन आ गई है। अभी मैं हटा के दिखाता हूँ, देख रहे हैं ऊपर एक लाइन आ गई है और सबके ऊपर एक डॉट बना हुआ है, देख सकते हैं सभी के ऊपर एक डॉट आ चुका है। इसका क्या मतलब है कि ये एक सेपरेट ग्रुप बन चुका है दोस्तों। अब मैं इसको एक यहाँ पे क्लिक करूंगा, माइनस साइन दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए अब वो माइनस साइन की वजह से वो हट गया है। अब मेरे को नाम, उस स्टूडेंट का नाम दिखेगा, उसका परसेंटेज दिखेगा, उसका रिजल्ट दिखेगा और उसका ग्रेड दिखेगा कि भैया पास है फेल है क्या है, समझ रहे हैं ना। तो कुछ इस तरीके से ग्रुपिंग काम करती है। अभी मैं प्लस पे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो सारा सारा डाटा मुझे ऑप्शन दिखने लगेगा। तो इससे क्या होता है कि सिंपलिसिटी आ जाती है। अब देखिए आपको इतना ढेर सारा डाटा एनालाइज करने में कितनी दिक्कत होती, अगर इतना छोटा सा डाटा रहेगा तो आपका एंड रिजल्ट आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि ये अच्छा आपने ग्रुप कर लिया, अब आपको अनग्रुपिंग करनी है तो कैसे करेंगे। अनग्रुपिंग में पहले जो लोग गलती करते हैं मैं वो बताता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि अनग्रुप कैसे करा जाता है। कुछ लोग अनग्रुप करना चाहते हैं तो चुपचाप चले जाएंगे, अनग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे और अनग्रुप कर देंगे, अच्छा कॉलम करेंगे, ओके कर देंगे। यहां से जब देखेंगे तो वो देखेंगे कि अनग्रुप तो हुआ ही नहीं। तो अनग्रुप क्यों नहीं हुआ, उसका कारण यह है कई लोग पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, जितना आपने पहले सिलेक्ट करा था उतना ही दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं कि इतना ही सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर अनग्रुप लगा देते हैं, तो दो ग्रुप फॉर्म हो जाता है, ये ग्रुप और ये ग्रुप, तो फिर वो दो ग्रुप फॉर्म हो जाएगा तो फिर वहां पे कंफ्यूजन होती है क्या हुआ। इसीलिए जितने भी डाटा को आपको अनग्रुप करना होगा आपको पूरा ही सिलेक्ट करना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे गलतियां होती हैं। ईयर ऑफ ईयर के एक्सपीरियंस के बाद हमने देखा है कि लोग ये गलतियां करते हैं। तो
एज अ टीचर मैं आपको वो गलतियां बता रहा हूँ जहाँ पे आपको फोकस करना है, आपको गलतियां ना करें। चलिए मैं अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे इसको अनग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप करने के लिए बेसिकली आपको वही डाटा बटन पे जाना है, ऊपर अनग्रुप के ऊपर जाना है, अनग्रुप पर क्लिक करेंगे और ये कॉलम्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कॉलम का ग्रुप बनाया था ना, इसलिए कॉलम्स का अनग्रुप भी करना पड़ेगा। ओके करूंगा तो ये देखिए दोस्तों अब अनग्रुप हो चुका है, यहाँ पे अब कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा अब मैं आपको रो का ग्रुप बना के दिखाना चाहता हूँ। वैसे ये डाटा रो के लिए सुटेबल नहीं है, बट कोई बात नहीं, आपको बताना है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो रो का कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये तीन का ग्रुप बनाने का सोचा, ठीक। अच्छा अनग्रुप करने का जरूरी नहीं है कि आप, जैसे कि देखिए मान लीजिए मैंने तीन का सिलेक्ट करा, अब मुझे इनका अनग्रुप करना है, जैसे कि मान लीजिए सॉरी माफ करिएगा मेरी जुबान फिसलगी, मुझे इनका ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वहीं पे जाना होगा दोबारा दोस्तों, ग्रुप के ऊपर जाऊंगा तो देखिए दोस्तों अब ये ग्रुप फॉर्म हो चुका है। अच्छा अगर मैंने ये डाउनवर्ड एरो प्रेस करके करा होता तब मेरे से पूछता कि क्या ग्रुप कौन सा ग्रुप बनाना चाहते हो, रो या कॉलम का, बट यहाँ पे कुछ नहीं पूछा है उसने, सीधे बना दिया। अब अनग्रुप करने का तरीका भी वही है पुराने वाला जो पहले था, मैं वो दोबारा नहीं बताऊंगा, पर चलिए मैं आपको दोबारा बता ही देता हूँ। कई लोग महापुरुष होते हैं जो बार बार एक ही चीज को पूछते हैं। चलिए दोस्तों मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, ग्रुप बनाने के लिए आपको वही तरीका है, ग्रुप करेंगे, ग्रुप करिए देखिए ग्रुप हो चुका है। अब यहाँ पे माइनस पे क्लिक करेंगे तो कम भी हो जाएगा, प्लस पे करेंगे तो ज़्यादा भी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। और अनग्रुप करने का तरीका आपने सेलेक्ट कर ही रखा है, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट यहाँ पे इस केस में ऑलरेडी है तो मैं अभी अनग्रुप कर देता हूँ इसे जल्दी से अनग्रुप। देखिए दोस्तों अब अनग्रुप हो चुका है। तो ये थी कहानी ग्रुप एंड अनग्रुप की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा, पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंंग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप marketingfundas.com वेबसाइट पर जा सकते हो या हमारे दिए नंबरों पर कॉल कर सकते हो। दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक दिए हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग करियर में काम आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।